नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा लेकर आई हूँ यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल उपाय। जी हाँ, आज के उपाय आपके स्वास्थ्य संबंधी भी है और धन संबंधी भी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे और काम करेंगे तो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय की जिससे हमारी हेल्थ, जो कि हमारी समस्याएं आम जीवन में होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां, किसी को सिर दर्द है, बुखार है, परेशानी है, या लंबे टाइम से जो अपने आप को सोच रहे हैं कि नेगेटिविटी से भरे हुए हैं या परेशानियां चल रही हैं, मैं तो बीमार रहता हूँ, मैं उदास रहता हूँ, मैं चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ जो कि एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, मैं उनके लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ आपको। उपाय बहुत छोटे और बहुत सरल हैं। आप सब लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं आप सब लोगों को छोटे छोटे उपाय ज़रूर मिलेंगे सबके लिए। करना क्या है, पहले शुरुआत करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आप काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं घर में, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, अगर बुखार से जूझ रहा है या सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है या छोटा छोटा दवाइयों पे खर्चा घर में हो रहा है, क्योंकि डेली रोज़मर्रा में अगर दवाई आ रही है जा रही है, वो किसी के लिए भी घर में हो, तो यानी कि आपके घर में एक बीमारी ने घर कर लिया है, तो उससे मुक्ति कैसे पानी है, हमने हमारा क्वेश्चन है कि हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। आपने क्या करना है, आप घर के जितने भी सदस्य हैं, यानी कि अगर 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जॉइंट फैमिली हैं, 14 लोग हैं, जितने भी आप घर के लोग हैं वो घर के लोग गिन लीजिए और उससे 1.5 गुना ज़्यादा रोटियां बना लीजिए मीठी गुड़ की, ठीक है, शक्कर की भी बना सकते हैं। आपने जैसे अगर आप 6 जने हैं तो आप 9 रोटियां बना लीजिए, और गुड़ की तंदूर पे अगर रोटी बनवाते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर इन केस अगर आप तंदूर की रोटी नहीं बनवा सकते तो घर में भी बना सकते हैं। मीठी रोटी बना लीजिए और वो मंगलवार के दिन आप कुत्ते को खिला दीजिए। आप यकीन मानिए, आप 5 मंगलवार ये लगातार ये उपाय कीजिए, आपके घर से सालों की बीमारी, बहुत टाइम की बीमारी निकलनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में स्वास्थ्य बिल्कुल लोगों का ठीक होने लग जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, अगर हम बहुत टाइम से कहीं हम अपने पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी स्टमक एक हो रहा है, कभी किसी बच्चे का पेट खराब हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमने करना क्या है, बाज़ार से लेना है पीले रंग का पेठा। जी हाँ, जिसको हलवा कद्दू भी कहा जाता है पंजाबी में, तो आपने हलवा कद्दू लेना है जिसका रंग पीछे से बिल्कुल ऊपर से येलो कलर का हो और बिल्कुल सूखा हुआ प्रॉपर पेठा हो। आपने उस पेठे को लेना है और उस पेठे को आपने मंदिर में रख कर आना है बुधवार के दिन। जी हाँ, ये उपाय बहुत सारे उपायों को करता है, यानी कि कई बार ये उपाय हम पैसे के लिए भी देते हैं, लेकिन अगर आप महीने में एक बार ये उपाय करते हैं, बुधवार को रख कर आते हैं और अपनी हेल्थ के लिए सोच कर आते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपकी हेल्थ में प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं बताने जा रही हूँ जो अक्सर लोगों को रखता है, सिर में दर्द रहता है, कुछ भी छोटा मोटा करते हैं तो सिर में दर्द रहे हो जाता है, सारा दिन कुछ नहीं करते तो भी सिर में दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भी सिर दर्द होता है, आराम से रेस्ट कर रहे हैं तो भी सिर दर्द हो जाता है, आम समस्या है सिर दर्द की। आपने करना क्या है, याद कीजिए पुराने टाइम में हमारी जो दादियाँ होती थी, हमारी अम्मा होती थी, हमारी नानी होती थी, वो लोग क्या करते थे, कभी आपने देखा, अब आजकल इतने सारे ऑयल्स आ गए हैं, कोई फ्रेगनेंस वाले ऑयल्स, कोई हॉट ऑयल, कोई किसी प्रकार के ऑयल, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारी नानी, पर्सनल मेरी भी नानी, मेरी दादी, दोनों जने देसी घी की मसाज करते थे अपने सिर में, ठीक है, और हमने तो कभी उनके देखे ही नहीं कि बाल सफ़ेद, हम लोग कलर्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी दादी नानी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके बाल भी बिल्कुल ठीक रहते थे, ब्लैक रहते थे और तंदुरुस्त रहते थे। तो आपने क्या करना है, ये दो तरीके से आपका काम करेगा। अगर आपको मानसिक प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ रहती हैं, तो ये उपाय तब भी काम आएगा, सिर दर्द है तब भी काम आएगा, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तब भी काम आएगा। तो आपने करना क्या है,
आपने सैटरडे की रात को अपने सिर में मालिश करनी है प्योर देसी घी की। थोड़ा सा कोसा आप कर सकते हैं, सर्दी है तो कोसा कर सकते हैं, गर्मी है तो अगर हाथ से भी लगाएंगे तो भी वो अपने आप से पिघल जाएगा। तो देसी घी की मालिश शनिवार रात को करनी है। संडे को आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं और जैसे रहते हैं वैसे रह सकते हैं। इससे आपके तीन तरीके की प्रॉब्लम्स का इजाद मिलेगा, यानी कि पहले तो आपके बाल बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे और माइंड में घी जाएगा तो तरोताज़ा होने के बाद मानसिक परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा, सिर दर्द तो बिल्कुल ही चला जाएगा और ये आपको किसी भी प्रकार की जो आपकी मानसिक तनाव है उससे और याददाश्त को भी तेज करेगा। तो ये उपाय बहुत बढ़िया है। ये छोटा सा उपाय, हर कोई अब ये सुनेगा तो ये सोचेगा हाँ हमारी तो मम्मी ऐसा करती थी। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो भी आप याद कीजिए उनको देसी घी की मालिश की जाती है, इसीलिए कि उनकी जो है वो ग्रोथ हो, उनकी चीज़ें जो है मजबूत हो, बाल उनके अच्छे हों। तो ये उपाय बहुत अच्छा है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब मैं फाइनली आपको जो एक उपाय बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ प्रॉस्पेरिटी पे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब मैं लाइव आती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि पैसा कब आएगा, हमारी वेल्थ कब बढ़ेगी, हमारी प्रॉस्पेरिटी कब बढ़ेगी। तो आखिरी उपाय पैसे के लिए, शुक्रवार के दिन आपने करना क्या है, महालक्ष्मी के आगे गुलाब का एक फूल चढ़ाना है और उसके अंदर रखना है आपने एक कपूर, ठीक है। सुबह आप नहा धोकर लक्ष्मी जी का के गुलाब का फूल रखा और उसके अंदर एक कपूर डाल के रखा, सारा दिन वो फूल वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम आपने वो कपूर को उठाया और एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या कोई प्लेट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आपने उसको जला दिया कपूर को, ठीक है। और उस कपूर को जलाने के बाद अपने घर से बाहर जाएंगे अपने मेन गेट के ऊपर और उस वहाँ से कपूर का धुआं देते हुए, धुनी देते हुए और अपने मन में जय माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए अपने घर के एंटर करेंगे और अपने घर के सारे घर में घूमेंगे, अच्छे से परिक्रमा करेंगे और वापस अपने मंदिर में आ जाएंगे और वो जो धुनी की प्लेट है वहीं रख देंगे, पूरी नेगेटिविटी ख़त्म, ठीक है। और अब करना क्या है, महालक्ष्मी के जो हमने आगे गुलाब चढ़ाया था वो वापस उठाना है अपने हाथ में लेकर और महालक्ष्मी जी के आगे आपने रखना है, ठीक है। ये आपने रखने के बाद आपने मन ही मन में प्रार्थना करनी है, ये फीलिंग करनी है कि हमारे घर में जब हमने कपूर का धुआं दिया तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई और हमारे घर में पैसों की बरसात होने लग गई। ये थॉट लेना है, डेफिनेटली आप ये करते रहिए, 43 दिन लगातार करिए। जो लोग भी 43 दिन लगातार नहीं कर सकते तो कम से कम 9 शुक्रवार को ये कीजिए, डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छा असर देगा। एक चीज़ और, ये उपाय आप लगातार 7 या 8 दिन जो नवरात्रे के आते हैं तब भी कर सकते हैं, पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तक आप कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार से ये उपाय शुरू कर सकते हैं, लगातार 9 शुक्रवार कर सकते हैं या 43 डेज लगातार कर सकते हैं। ये उपाय बहुत बेनिफिशियल है, मैंने भी किया है, आप लोग भी कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।